सो गाइस, अगर आप भी फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पेज का जो भी मोनेटाइजेशन है ना, सब बंद होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे बंद होने वाला, ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, बंद हो सकता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं और आपने भी अभी सेटिंग ऑन नहीं की है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि January 5 को, यानी 5 जनवरी 2024 को फेसबुक का एक ऐसा अपडेट आया था कि अब आपकी जो अर्निंग होगी वो सब कुछ किस पे बेस्ड होगा, आपके व्यूज़ के हिसाब से। 18 तारीख को रील्स में भी आया 18 जनवरी को कि अब सब कुछ किस पे रेवेन्यू मिलेगा, व्यूज़ पे मिलेगा। यानी चाहे आपका बड़ी वीडियो हो चाहे आपकी छोटी वीडियो हो, दोनों का रेवेन्यू कैसे मिलेगा, व्यूज़ के हिसाब से। और व्यूज़ कब काउंट होता है, जब आपकी वीडियो प्ले होती है। तो आपकी प्रोफाइल हो या आपका पेज हो, जो कुछ भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपका वीडियो प्ले हो रहा है आपके माध्यम से, सो हो सकता है कि आप इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और उस इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से आपका सब चीज़ सस्पेंड हो जाएगा, सब चीज़ बंद हो जाएगा, जितना भी मोनेटाइजेशन टैब है, जितनी भी चीज़ें, सब स्टॉप हो जाएगा। गाइस देखो, यूट्यूब की दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप अपनी वीडियोज़ को खुद वॉच कर रहे हैं, जनरली देखो आपकी आदत क्या है, आपकी नहीं सबकी आदत यही है, वीडियो डाला और डालने के बाद में फिर देखते अच्छा कैसा लग रहा है, सही चल रहा कि नहीं सही चल रहा। अरे भैया ये सब काम छोड़ दो, पहले चेक कर लो ना ये बात, वीडियो अपलोड होने के बाद मत देखो, अपलोड होने से पहले चेक कर लो कि कोई कमी तो नहीं है, साउंड आ रहा है, क्लैरिटी है, कोई गलती तो नहीं है, सब पहले चेक करो उसको। ऐसा नहीं कि बस ऐसा अब सब काम कर दो फिर बोलो कि अरे यार तो गलती हो गई, और गलती हो गई तो भाई बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम शुरुआत हो चुका है। सो पर्सनली मेरा सजेशन है, इन सब चीज़ों से बचें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। कैसे बचना है अब आपको मैं दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, उसको उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर लीजिए, है ना, नहीं तो आपके लिए समस्या है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरे पास एक पेज है, और पेज आप देखिए यहाँ पे, आपको देख भी लो यहाँ पे पेज है, डिजिटल क्रिएटर्स की कैटेगरी है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखिए वीडियो प्ले हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने किया यहाँ पे, देखिए वीडियो प्ले हो गया। अब आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पे वीडियो प्ले हो गया, है ना, इधर आप देखेंगे वीडियो प्ले हो गया, तो ऑटोमेटिक देखिए क्या हो रहा है, ये वीडियो प्ले हो जा रही है। अब आप समझो क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अभी फेसबुक ने जो ये रील्स है, ये जो चीज़ है ना, ये रील्स है, राइट। सो ये रील्स है भैया, तो जैसे रील्स के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर कि ये रील्स ऑटोमेटिक प्ले हो रही है। अब ये प्ले हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि आपका रील्स के ऊपर एक काउंट हो गया, एक व्यूज़ तो काउंट हो गया। आप यहाँ पे देखिए आइए, ये क्या हुआ, आपका एक व्यूज़ काउंट हो गया, नीचे आइए आपका व्यूज़ काउंट हो गया। सो ऑटोमेटिक आपका व्यूज़ काउंट हो रहा है, तो आपको ऐसी सेटिंग करनी कि ताकि ये वीडियो आपके प्ले ही ना हो। क्योंकि अगर आप देखो कहाँ पर हो, आप अपने प्रोफाइल पे या अपने पेज पे हो, तो आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, वो सेटिंग्स आप ऑन कर लो ताकि आपकी वीडियो प्ले ना हो। और पर्सनली मेरा सजेशन है इसको बंद कर लो, और नहीं तो भैया अगर आप बंद नहीं करोगे, जब आपका बर्बाद हो जाएगा ना सब, फिर आप पूछोगे सर आप क्या करें, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको वार्निंग मिले, या हो सकता है कि आपको एक्सेस ही ना मिले किसी भी चीज़ को मोनेटाइज करने का, तो आपकी सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएँ। क्योंकि भाई यूट्यूब के ऊपर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है, ये बात ध्यान रखिए, है ना। अगर किसी का आ गया तो उसका सब खत्म है, सब बर्बाद है, चाहे मिलियंस में क्यों आपके सब्सक्राइबर ना रहें। तो इसको कैसे बंद करना है उसको देखो, और सेम इस प्रोसेस को आपको प्रोफाइल पे भी यूज़ करना है, तो एवरीथिंग पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, अपने पेज की सेटिंग में जाना है। कैसे, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद में नीचे आइए, ये आपके पास में यहाँ पे लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स में जाइए यहाँ पे। ये आपको मैं पेज का बता रहा हूँ, प्रोफाइल का भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आरती ब्लॉग, इस पेज की सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा आप नीचे आइए, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ले देखिए मीडिया एंड कॉन्टेक्ट्स का आपके पास ऑप्शन है, मीडिया एंड कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास में नीचे से तीसरा ऑप्शन है ऑटो प्ले, जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा ऑन मोबाइल एंड वाईफाई डेटा कनेक्शन में ऑटो प्ले हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पर टिक है, आप इसको नेवर कर दो, आप इस पर नेवर ऑटो प्ले कर दो, है ना, ये टिक हो गया। अब इसको बैक आइए, बैक जैसे आएंगे आप बैक आइए, अब हम इसमें पेज पे जाते हैं फिर से, और यहाँ पे देखिए पेज पे आ गया, ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे वीडियो प्ले नहीं होगी, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे कोई वीडियो प्ले नहीं होगा, तब तक प्ले नहीं होगा जब तक हम इसको प्ले नहीं करेंगे, जब इसको प्ले करेंगे तभी ये प्ले होगा, ना था ये वीडियो प्ले नहीं होगा। तो इस तरीके से भैया इसको आप सेटिंग ऑन कर लो। ये तो हो गया पेज का काम, ऐसे ही आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर प्रोफाइल का भी तो बता दो भैया, तो लो ये प्रोफाइल भी देख लो, ये प्रोफाइल है, है ना। अब आप यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, ये पूरा का पूरा एक प्रोफाइल है, ये देखिए मेरा प्रोफाइल, प्रोफाइल में भी इसी तरीके से सेम सेटिंग करनी है। कैसे करना है उस चीज़ को समझ लो, आपको इसी तरीके से यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है। देखिए मेरा यहाँ पे आइए, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, सेटिंग्स पे आइए,
और जैसे ही आप सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया, वहाँ था मीडिया एंड कॉन्टेक्ट्स, यहाँ है आपके पास मीडिया। मीडिया पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो प्ले ऑन है ना। आपको मैं दिखा भी दूँ प्रोफाइल का भी केस, प्रोफाइल में भी आप देखेंगे यहाँ पर इनकी यहाँ भी वीडियो चलती है, तो आप देखिए वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रही है, देखिए ये रहा है ना, ये सब वीडियो प्ले हो रही है, सब प्ले हो रहा है ना, ये सब देखिए सब प्ले हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से इसको आप बंद कर दो। कैसे बंद करना है, सेटिंग पे दोबारा जाओ, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा मीडिया का, और मीडिया पर आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑटो प्ले का ऑप्शन है, इसको यहाँ से नेवर पे क्लिक करके इसको सेटअप कर दो, डन, और बैक आ जाओ। जैसे ही बैक आओगे आप अपने प्रोफाइल पर आप चेक करोगे, आपको किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो आपका प्ले नहीं होगा, ये देखिए है ना। तो इस तरीके से भैया अपने इस पेज को, अपने प्रोफाइल को बचा लो, और नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाएगा। पर्सनली सजेशन है मेरा, क्योंकि देखिए पैसा किस पे मिल रहा है, व्यूज़ के हिसाब से, और व्यूज़ काउंट होगा और उसको लगेगा आप जानबूझ के अपना व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। अरे आप ऐसे समझो ना यार, दिन भर में आपका 10,000 व्यूज़ आया, पता चला 50 बार आपने खोला, 50 बार आपने खोला, बाकी तो जेन्युइन आए लेकिन 50 बार तो आपका काउंट हो रहा है ना, और उसको लगेगा जानबूझ के आप बढ़ा रहे हो ये चीज़। सो बस आपको एरर दे देगा, प्रॉब्लम कर देगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो पर्सनली सजेशन, इसको आप बंद रखें, और जितना भी कंटेंट हो सके उसको पहले देख लो, समझ लो, फिर अपलोड करो, है ना। सो गाइस ये था एक अपडेट आप सबके लिए, बाकी फिर भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, डेफिनेटली आई विल ट्राई कि आपको रिप्लाई में कर सकूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भैया बाकी लोग भी बच सकें। फिलहाल इतना ही, मिलते हम लोग एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कॉन्टेंट के साथ। और हाँ, एक काम, वीडियो को शेयर जरूर करें सब तक, ताकि भाई कम से कम आपके एक शेयर से ना जाने कितने लोगों का पेज प्रोफाइल बच जाएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हम लोग एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कॉन्टेंट से। टेक केयर।